गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम आमेर के कछवाहा राजवंश के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सवाई जयसिंह तक अध्ययन कर लिया था। आज सवाई जयसिंह के कल्याणकारी कार्य से कंटिन्यू करेंगे। राजा सवाई जयसिंह कूटनीतिज्ञ, प्रसिद्ध योद्धा, संस्कृत एवं फारसी के प्रकांड विद्वान होने के साथ ही गणित और ज्योतिषी के अच्छे ज्ञाता भी थे। ये विद्यानुरागी होने के अलावा वास्तुशिल्प के प्रति भी गहन रुचि रखते थे। 1727 ईस्वी में उन्होंने जयनगर, वर्तमान जयपुर की स्थापना की। जयनगर का नक्शा पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, ये बंगाल निवासी थे, प्रसिद्ध वास्तुविद थे, इनकी देखरेख में बनवाया। खगोल विज्ञान संबंधी योगदान। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों के शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाह की खगोलीय सारणी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर 1733 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया तथा जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। महाराजा सवाई जयसिंह खगोल शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। इनके गुरु सम्राट जगन्नाथ महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने प्रसिद्ध खगोल शास्त्रीय विद्वान सी टॉलेमी, दूसरी सदी का रोमन गणितज्ञ, खगोलविद, ज्योतिष शास्त्री, भूगोलवेत्ता व लेखक की पुस्तक अल्मेक्टिस्ट के अरबी अनुवाद से खगोल शास्त्र पर सम्राट सिद्धांत एवं सिद्धांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की। जगन्नाथ ने तीसरी सदी ईस्वी पूर्व के यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड, फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से प्रसिद्ध की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें रेखा गणित का विशेष ज्ञान है, का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया। सवाई जयसिंह के दरबार का अन्य ज्योतिष शास्त्री व खगोल शास्त्री केवल राम थे, जो सन 1725 ईस्वी में जयसिंह की खगोल शास्त्र के प्रति रुचि की जानकारी मिलने पर गुजरात से इनके दरबार में आए थे। केवल राम ने खगोल विज्ञान के 8 ग्रंथों यथा जय विनोद सारणी, तारा सारणी, मिथ्या जीव छाया सारणी, दुख पक्ष सारणी, जय विनोद, राम विनोद, दुख पक्ष ग्रंथ एवं ब्रह्म प्रकाश की रचना की। इसने विभाग सारणी नाम से लॉगरिथम के फ्रेंच से संस्कृत अनुवाद की रचना की। इनके द्वारा रचित इसी प्रकार का अन्य ग्रंथ नीरस है। नयन मुखोपाध्याय द्वारा अरबी भाषा के ग्रंथ उकर का संस्कृत में अनुवाद भी इसी समय किया गया। महाराजा सवाई जयसिंह ने पुर्तगाल के राजा एमानुअल के दरबार से एवं कई अन्य देशों से खगोल शास्त्र के कुछ ग्रंथ मंगवाए तथा उनके अध्ययन के आधार पर उनको अधिक परिशुद्ध कर अपनी वैधशाला में निर्मित यंत्रों में उनका प्रयोग किया, जिससे वैधशाला के यंत्रों से खगोलीय गणनाओं में अधिकतम शुद्धता संभव हो सकी। इसने ग्रीनविच वैधशाला के प्रथम रॉयल एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लेमेस्टी द्वारा नक्षत्रों पर रचित पुस्तक स्टोरिया कॉयलिस्टिक ब्रिटेनिका फ्लेमेंट के निधन के बाद 1725 में प्रकाशित करवाई। स्थापत्य व निर्माण। 1734 ईस्वी में इन्होंने जयपुर में एक बड़ी वैधशाला जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जो देश की सबसे बड़ी वैधशाला है। जयपुर वैधशाला में 14 यंत्र हैं, जो समय मापन, सूर्य व चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करने, तारों की गति एवं स्थिति जानने, सौर मंडल के ग्रहों के दिक्पात आदि जानने में बहुत सहायक हैं। इस वैधशाला का निर्माण जयसिंह ने 1728 ईस्वी में अपने निजी निरीक्षण व देखरेख में प्रारंभ करवाया, जो 1734 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस वैधशाला में ज्योतिषीय एवं खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण कर सटीक भविष्यवाणी की जानकारी संभव है। इस वैधशाला के सम्राट यंत्र विशाल सूर्य घड़ी है, ये जयप्रकाश यंत्र एवं राम यंत्र प्रमुख यंत्र हैं। जयसिंह ने ऐसी ही 4 और वैधशालाएं दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बनवाई। यूनेस्को ने 1 अगस्त 2010 ईस्वी को जयपुर के जंतर मंतर वैधशाला सहित विश्व के 7 स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। इस सूची में शामिल होने वाली यह
राजस्थान की पहली सांस्कृतिक धरोहर थी। भरतपुर का घना अभयारण्य 1985 से विश्व धरोहर सूची, जो कि प्राकृतिक श्रेणी की है, में शामिल है। साहित्य सृजन। सवाई जयसिंह खगोल विज्ञान के साथ साथ साहित्य में भी अत्यधिक रुचि रखते थे। इनके दरबार में प्रकांड साहित्यकार रहते थे। साहित्यकारों के निवास हेतु इन्होंने ब्रह्मपुरी का निर्माण करवाया। जयसिंह के शासनकाल में शुरुआती दिनों में सर्वाधिक कुशल व प्रकांड विद्वान भट्ट पुंडरिक रत्नाकर थे, जो मिर्जा राजा जयसिंह के समय से दरबार में थे। इन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की तथा इनके पुत्र सुधाकर पुंडरिक ने साहित्य सार संग्रह एवं रत्नाकर के भतीजे ब्रजनाथ भट्ट ने ब्रह्म सूत्राणु भाष्यवृत्ति मारीचिका व पद्य तरंगणी ग्रंथों की रचना की। इसके समय जनार्दन भट्ट गोस्वामी, शिवानंद गोस्वामी, जिन्होंने महाराजा बिशन सिंह के शासनकाल में 48 ग्रंथों की रचना की थी, के पुत्र ने मंत्र चंद्रिका, श्रृंगार शतक, ललिताची, प्रदीपका, वैराग्य शतक तथा उनके चाचा चक्रपाणी द्वारा तंत्र शास्त्र पर पंचायतन प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई। सवाई जयसिंह के दरबार का सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार श्री कृष्ण भट्ट थे, जिन्हें सवाई जयसिंह ने कवि कलानिधि एवं राम रसाचार्य की उपाधि से अलंकृत किया। कृष्ण भट्ट ने राम क्रीड़ाओं पर राघव गीतम राम रासा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इसी पर प्रसन्न होकर सवाई जयसिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि से विभूषित किया। श्री कृष्ण भट्ट द्वारा इनके अलावा वेदांत पंचविंशति, ईश्वर विलास महाकाव्य, पद्य मुक्तावली, व्रंत मुक्तावली, प्रशस्ति मुक्तावली, सरस रसास्वाद, रामगीतम, सुंदरी स्वराज आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की गई। जयसिंह के दरबारी ज्योतिषाचार्य केवल राम द्वारा अपने अन्य ग्रंथों के अलावा साहित्य ग्रंथ अभिलाष शतकम एवं गंगा स्तुति का भी लेखन किया गया। महाराजा सवाई जयसिंह के समय में कलताजी के प्रसिद्ध रामानंदी मठाधीश स्वामी प्रियदास द्वारा भक्तमाल टीका एवं भगवत भाष्य ग्रंथों की रचना की गई। इसी समय कवि सूरत मिश्र ने बिहारी सत्सई पर पिंगल भाषा में टीका लिखी। जयपुर नगर की स्थापना। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयनगर वर्तमान जयपुर की नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों रखवाई। जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में तैयार किया गया। विद्याधर ने इन्हें तैयार करते समय प्राचीन संस्कृत ग्रंथ शिल्प सूत्र के नियमों व सूत्रों का पूरा ध्यान रखा। जयपुर को 9 चौकड़ियों यथा चौकड़ी रसद, जिसमें महल व राजकीय भवन थे, चौकड़ी रामचंद्र जी, गंगापोल, तोपखाना हिजूरी, घाट दरवाजा विश्वेश्वर जी, मोदी खाना, तोपखाना देश एवं चौकड़ी पुरानी बस्ती में विभाजित किया गया, जो प्रत्येक एक वर्गाकार क्षेत्र में विस्तृत। उसमें चीन के कैंटन शहर, ईरान के बगदाद शहर के नगर नियोजन का समन्वय है। इस शहर की बसावट इस प्रकार की गई है कि अलग अलग पेशे के लोग अलग अलग बस्तियों में अपने अपने स्तर के अनुसार अपना कार्य करते हुए वे रहते हुए सुखमय जीवन बिता सकें। समस्त शहर को ऊँचे व 7 किलोमीटर लंबे परकोटे से परिबद्ध किया गया। प्रारंभ में इस शहर का नाम जयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री रखा गया, जो अब जयपुर हो गया है। से पिंक सिटी या गुलाबी नगरी नाम 20वीं सदी के प्रारंभ में एक ब्रिटिश अधिकारी ने दिया। समस्त परकोटे में 7 विशाल दरवाजे, ध्रुव पोल वर्तमान में जोरावर सिंह गेट, उत्तरी दरवाजा पूर्वी दिशा में सूरज पोल गलताजी के पास सामने की ओर, पश्चिम में चांद पोल तथा दक्षिण में घाट गेट, सांगानेरी गेट, न्यू गेट एवं अजमेरी गेट 4 दरवाजे हैं। जयसिंह ने इन्हें अपने महल एवं कार्यालय शहर के बीचों बीच चौकड़ी रसद में बनवाया। इनके निवास महल को चंद्र महल या सिटी पैलेस कहते हैं, जो सभी 7 राजसी इमारतों में सबसे भव्यतम है। सवाई जयसिंह ने मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बनवाए गए जयगढ़ दुर्ग का कार्य पूर्ण करवाया।
उसे और सुदृढ़ करवाया एवं मराठों से रक्षा हेतु नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। इनके अलावा सिसोदिया रानी का महल अपनी सिसोदिया रानी चंद्रकुवरी के लिए बनवाया, मानसागर झील बनवाकर उसमें जल महल का निर्माण करवाया। इस जल महल का निर्माण कार्य सवाई प्रताप सिंह के काल में पूर्ण हुआ। धर्मानुरागी जयसिंह ने गोवर्धन पर्वत पर गोवर्धन जी का मंदिर बनवाया तथा अपने महलों चंद्र महल के पास ही गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। इसके अलावा सिरह ड्योढ़ी में कल्कि जी का मंदिर निर्मित